ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहले व्यक्तिगत शौचालय पर ध्यान केंद्रित कर शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया गया। खुले में शौच मुक्त अभियान के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। आम लोगों के व्यवहार परिवर्तन की भी कोशिशें की गईं। केंद्र सरकार द्वारा ये माना गया कि मात्र शौचालयों के निर्माण और व्यवहार परिवर्तन से स्वच्छता का संपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। देश के सभी जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM का खाका तैयार कर गांवों को मॉडल गांव बनाने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर गांवों को चिन्हित कर ठोस तरल कचरा प्रबंधन की योजना का क्रियान्वयन कर गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की कोशिशों का प्रभाव अब दिखलाई पड़ने लगा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दो फेज में योजनाएं संचालित की गई, SVM प्रथम फेज और स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय फेज। प्रथम फेज में हम लोग केवल शौचालय तक कंसर्न रहे, उसमें शौचालय बनाने का काम किया गया और उसके पश्चात गांव को ODF घोषित किया गया, यानी कंप्लीट रूप से ओपन डेफिकेशन को ख़त्म किया गया। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के फेज टू में हम शौचालय को छोड़ करके बाकी चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोगों ने प्रचालित किया। उसमें क्या किया गया कि सॉलिड मैनेजमेंट की अलग व्यवस्था की गई, लिक्विड मैनेजमेंट की अलग। सॉलिड मैनेजमेंट के लिए हमने कूड़ा गाड़ी खरीदा, RRC सेंटर बनवाए, कूड़ा प्रबंधन केंद्र जिसको बोलते हैं, कंपोस्ट पिट बनवाए, नौ नेडफ पिट बनवाया, वर्मी कंपोस्ट बनवाया, इन सब गड्ढों को बनवा करके उसमें कूड़े को रख करके उसको कंपोस्टिंग की गई ताकि उसका यूज हम खाद के रूप में कर सकें। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, दो काम किया है, एक तो सोकपिट बनवाया, दूसरा नाली का निर्माण कराया। नाली निर्माण में क्या हुआ है कि प्रत्येक घर को हमने उनके जो नाली निकल रही है उसको मेन नाली से जोड़ने का काम किया गया। गांव पंचायतों में हमने 760 राजस्व गांव को चयन किया है, उनके लिए हमारे पास पैसा आ गया था और 88 राजस्व गांव को हमने सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कंप्लीट करके मॉडल गांव के रूप में घोषित कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता के विभिन्न घटकों को विकसित करने के साथ ही स्वच्छता परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। ODF प्लस में तभी गांवों को मॉडल गांव घोषित किया जा सकता है जब वे निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के फेज सेकंड के अंतर्गत यह बताना चाहता हूं कि फेज वन में तो व्यक्तिगत शौचालयों पर जोर दिया जाता था, ग्रामीणों को खुले में शौच से शौच जाने के लिए रोका जाता था और शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, प्रेरित किया जा रहा था। फेज सेकंड में अब ग्राम पंचायत में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर स्वच्छता गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत में ही कूड़ा प्रबंधन सेंटर के रूप में ग्राम पंचायतों में एक RRC सेंटर बनवाया जा रहा है। उसमें जो नालियां हैं जिनसे घरों को पानी, गंदा पानी निकलता है, उन नालियों को किसी न किसी सोखता गड्ढे से जोड़ने की बात कही जा रही है, अथवा अगर वह नालियां किसी तालाब में गिरती हैं तालाब के पहले सिल्ट कैचर और फिल्टर चैम्बर बना करके जल को शोधित करने के बाद तालाबों में गिराने की बात कही जा रही है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जा रहा है। कुछ परिवार जो बट रहे हैं, बंटवारे से अलग हो रहे हैं, उनको अगर अपना शौचालय की सुविधा नहीं है तो सामुदायिक शौचालय की सुविधा उन्हें प्रदान किया जा रहा है। उनमें केयर टेकर के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, जिसमें 6,000 रुपये महीने उसके साफ़ सफाई के लिए उस महिला को दिया जाता है और 3,000 रुपये प्रतिमाह उसमें लगने वाले फिनाइल, झाड़ू और छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत के लिए दिया जाता है। पंचायत भवनों के भी निर्माण कराए जा रहे हैं, आदर्श जलाशयों के निर्माण कराए जा रहे हैं। आदर्श जलाशयों में भी अमृत सरोवर, जैसा कि नाम दिया गया है,
उनमें गंदे जल को कि जल के प्रवाह को रोका जा रहा है और जन सामान्य की सुविधा के लिए वातावरण की स्वच्छता के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद चंदौली का विकास क्षेत्र चकिया प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच स्थित है। कैमूर रेंज की पहाड़ियों से घिरे चकिया का क्षेत्र स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विकास क्षेत्र स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। ब्लॉक चकिया में कुल 89 ग्राम पंचायत है हमारे ब्लॉक में यहाँ पे, और हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित गाँव को ODF और ODF प्लस में मॉडल विलेज बनाने के लिए सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और RRC सेंटर के काम कराए जा रहे हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने विभिन्न ग्राम पंचायतों में पक्की नालियों का निर्माण कराया है ताकि जल निकासी बेहतर हो सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमने सामुदायिक शौचालयों का हर ग्राम पंचायतों में निर्माण कराया है, जिसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है, जिससे ताकि वो डेली खुलें और लोग उसका उपयोग करें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए स्वच्छता कमेटी जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में है उनको एक्टिवेट किया गया है ताकि लोग शौचालयों का प्रयोग करें। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित हम लोगों ने RRC सेंटर यहाँ पे लगभग सभी गाँव में बनवाना शुरू कर लिया है। इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में हमने इस समय राशन साहब की दुकानें बनवाई जा रही है, जिसमें सहज सेवा केंद्र भी बनवाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायत के लोग जो है विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को कराने के लिए विभिन्न सरकारी सेवाएं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत भवन में सचिव के बैठने की व्यवस्था है, हर पंचायत में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है और हर पंचायत में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि ग्रामीणों को खसरा खतौनी और राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। जनपद चंदौली के विकास क्षेत्र चकिया के गांव भीषमपुर को मॉडल गांव घोषित किया गया है। गांव में स्वच्छता घटकों के अनुसार बुनियादी ढांचों का विकास कर ग्राम पंचायत द्वारा मॉडल गांव घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसकी जांच पड़ताल कर भीषमपुर को मॉडल गांव घोषित किया गया। ग्राम पंचायत पूरी तरह से कैमूर रेंज की पहाड़ियों की वादी में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव है। किसी भी गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए जरूरी है कि गांव में ठोस कचरे के निस्तारण प्रक्रिया में रोजगार के अवसर भी पैदा होने चाहिए। विकास क्षेत्र चकिया का भीषमपुर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे यहाँ चकिया विकास खंड में कुल 89 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 6 ग्राम पंचायत में 24 राजस्व गांव को मिलाकर के हम लोग ODF की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद लोगों में सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को करते हुए हमने 6 ग्राम पंचायतों को और 24 राजस्व गाँव को मॉडल घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ अभी 31 RRC सेंटर निर्माण चल रहा है। समूह की महिलाएं हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर की काम कर रही हैं, उससे उनको मानदेय मिलता है, उनका जीवन भत्ता बढ़ता है। RRC जो बने हैं उसमें कूड़े का संग्रह करा करके हम लोग सॉर्टिंग कराते हैं। सॉर्टिंग कराने के बाद प्लास्टिक वगैरह अलग अलग करा करके उसको बाद में बेचने के बाद ग्राम पंचायत की आय भी कुछ मिलेगी, उसी से इनका मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। अभी तो हम ग्राम पंचायत के ही निधि से ही कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी हो रहा है। हमारे यहाँ 5000 के ऊपर की आबादी की ग्राम पंचायत भीषमपुर है,
जिसको हम लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर ODF प्लस कराया, मॉडल ग्राम के रूप में ये गांव हो चुका है। ग्राम सभा भीषमपुर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कूड़ा गाड़ी के जरिए सफाई कर्मियों द्वारा घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। एकत्रित कचरे को गांव में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र पर पहुंचाया जाता है, जहां विभिन्न कूड़े की छटाई की जाती है। छटाई के बाद जैविक कूड़े को इकट्ठा कर नडेफ कंपोस्ट के गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना दिया जाता है। मॉडल गांव घोषित होने के लिए जरूरी है कि ठोस कचरा प्रबंधन के साथ ही गांव में गंदे पानी और सीवेज का भी प्रबंधन समुचित हो। हैंडपंपों के पास या घर के बाहर सोखता गड्ढा या सोक पिट का निर्माण पंचायत विभाग द्वारा कराया गया है। गंदे पानी के निकास के लिए बंद नालियां बनाई गई और ग्रामीणों की सुगम आवाजाही के लिए खड़ंजा युक्त रास्तों के साथ ही पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छता के मानकों पर आधारित बेहतर जीवन उपलब्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत बिशमपुर को 2019 में ODF घोषित किया गया। उसके बाद वर्ष 2022-23 में ODF प्लस घोषित किया गया। ODF प्लस के अंतर्गत जो है कि नाडेप सोकपीट नाली का निर्माण कराया गया, जिससे गांव पंचायत में जलभराव की समस्या, कीचड़ की क्या गंदगी की समस्या खत्म हो गई, जिससे लोगों का जीवन स्तर और आने जाने में लोगों को सुविधाएं प्रदान होने लगी और बीमारियां दूर हुई, स्वास्थ्य का लाभ हुआ है। जहां पे कई घरों पर जो है कि नाली बनाने की सुविधा नहीं थी, वहां पे हम लोगों ने छोटी छोटी नालियां बना के बड़े से जो है कि सोकपीट बना के बड़े साइज का उससे जोड़ा गया, वहाँ पर भी वो समस्याएँ ख़त्म हो गई, जिससे कि वो ग्राम पंचायत में जीवन जीने का स्तर उठा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ग्राम पंचायत भीषमपुर को स्वच्छता के पैमाने पर मॉडल गांव घोषित होने का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। साफ सफाई भी सुधार होने से जहां गांव में बीमारियों में कमी आई है, वहीं पंचायत भवन से ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी समय समय पर गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर उनका निस्तारण करते हैं। 2019 में ODF गांव हुआ था और 2024 में ODF प्लस, और उसमें गांव में RRC सेंटर, कूड़ा गाड़ी और पंचायत भवन, सोकपीट, सोकता गड्ढा, नापेट, RRC सेंटर, कूड़ा गाड़ी और टीन सेट, और उसके बाद पंचायत भवन, सभी प्रकार के काम हुआ। गांव में ODF प्लस होने से गांव में बीमारियां कम हुई हैं, साफ सफाई स्वच्छ रह रहा है, कूड़ा लोग अपने घर से उठा के कूड़े गाड़ी में ही डालते हैं। इनम सेंटर पर महिलाओं और बच्चों को सुचारू रूप से दवा और इलाज पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से किया जाता है। विकास क्षेत्र चकिया के ग्राम पंचायत भीषमपुर में पंचायत भवन के पास ही स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था की गई है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ANM और आशा कार्यकर्त्रियां नियमित रूप से ग्रामीण महिलाओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के साथ ही आवश्यक दवाइयां भी वितरित करती हैं। ग्राम पंचायत के इस प्रयास का ग्रामीणों की स्वास्थ्य पर अनुकूल एवं सकारात्मक असर पड़ा है। LWC भीषमपुर है ये सब सेंटर। यहाँ पे गर्भवती महिला का पंजीकरण किया जाता है और गर्भवती महिलाओं का 4 चेकअप भी यहीं पे किया जाता है, और खान पान के बारे में
और उनको हरे मतलब खान पान के बारे में भी बताया जाता है और खतरों के लक्षण के बारे में भी उनको मतलब अवगत कराया जाता है। और जहाँ तक का है कि अपना प्रसव कहाँ कराएं, इसके लिए भी हम लोग बताते हैं कि इसका डिलीवरी भी मतलब संस्थागत हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे हर बीमारी से बचाव के लिए भी मतलब बताया जाता है। ग्राम पंचायत भीषमपुर में निर्मित सामुदायिक शौचालय को रोजगार से जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य द्वारा इस शौचालय का संचालन किया जाता है, जिसका उसे मानदेय मिलता है। पार्वती समूह से जुड़ा है। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी देते हैं, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी देते हैं। शौचालय का देखभाल करती हैं, साफ सफाई करती हैं। मेरा सैलरी आता है हर महीने महीने 9,000 मेरे खाता में आता है। जनपद चंदौली के विकास क्षेत्र चकिया के ग्राम पंचायत भीषमपुर में कंपोजिट विद्यालय स्थापित है। साफ सुथरा कैंपस बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों की गारंटी देता है। विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र, कंप्यूटर कक्ष और शौचालय के साथ ही सूखा गीला कचरा के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। जो भी सरकारी योजनाएं हैं सब 19 पैरामीटर यहां सब संतृप्त हैं। बच्चों के लिए MDM का जो मेनू है उसके हिसाब से भोजन भी बनता है और यहां की जो साफ सफाई की व्यवस्था है अच्छी है। हम और यहां के जो सफाई कर्मी हैं उस पर बराबर ध्यान देते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय मेरा ब्लॉक में अच्छा रहे, स्वच्छता के मामले में भी और शिक्षा के मामले में भी। विद्यालय में जो हैंडपाइप के पास सोखता गड्ढा है वो भी बना हुआ है, 2 हैंडपाइप है, दोनों की जगह पर सोखता गड्ढा बना हुआ है। बच्चे जहाँ तक कूड़ा का सवाल है उन लोगों को हम जागरूक करते रहते हैं कि जो भी कूड़ा हो उसको डस्टबिन में डाला जाए। हमारे हर क्लास के सामने डस्टबिन रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से और जो गाड़ी है कूड़ा की वो उठा करके ले जाती है, बड़े कूड़ादान पर वहाँ पहुँचाती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों के चलते ही गांवों को साफ सुथरा रखने और वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी।